पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, सूरज से प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी। लेकिन इतनी ऊंचाई पर हर पत्ते तक पानी पहुंचता कैसे होगा? वो कौन सा बल है जो पानी को इतने ऊपर चढ़ा देता है? आज बात इसी बात की, कैसे पीते हैं पेड़ पानी? How do trees drink water? खेल सफेद फूलों का, पानी में रंग, रंगीन पानी में सफेद फूल। रात भर यूं रखे रहे तो हुआ कमाल, हो गए सफेद फूल रंगीन। क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? फूल में जो हुआ वैसा ही कुछ होता है हमारे चारों तरफ। सोखता कागज मतलब ब्लॉटिंग पेपर पानी सोख लेता है। चौक भी पानी खींच कर बन जाती है रंगीन। टिश्यू पेपर में पानी चढ़ जाता है। लेकिन पानी अपने आप ऊपर चढ़ कैसे जाता है? यही तो है पानी की अनोखी खूबी। इसे समझते हैं एक प्रयोग के साथ। प्रयोगशालाओं में मिलती हैं ऐसी ट्यूब्स। ट्यूब के अंदर है बाल जितनी पतली एक नली, इसीलिए इसका नाम है केश नली। केश नली मतलब कैपिलरी ट्यूब। पानी में रखी तो रंगीन पानी तुरंत ऊपर चढ़ गया। पानी के इसी गुण को उसका केशिकत्व कहते हैं, अंग्रेजी में कैपिलरी एक्शन। पानी पतली नलियों से ऊपर तक जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? पानी और कांच के अणुओं में है आपसी आकर्षण। पानी केश नली की दीवारों से आकर्षित होता है, ऊपर चढ़ता है। नीचे जितना पानी है उससे कहीं ऊपर। अलग अलग चीजों के अणु जब इस तरह एक दूसरे से आकर्षित होते हैं तो वो होता है आसंजन, अंग्रेजी में अडहेजन। पानी के इसी गुण के कारण चीजें गीली होती हैं। पानी में है एक और खूबी, पानी का अणु ध्रुवीय है, इसीलिए पानी के अणु आपस में भी आकर्षित होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आपस में चिपकने की इस प्रवृत्ति को कहते हैं संसंजन, अंग्रेजी में कोहेजन। आसंजन और संसंजन गुणों के कारण पानी एक लगातार कॉलम बनाकर बहुत पतली नलिकाओं में ऊपर चढ़ जाता है। यही तो है केशिकत्व। लेकिन पेड़ पौधों में पतली नलिकाएं कहाँ? सभी पेड़ पौधों में बहुत सारी बहुत पतली नलिकाएं होती हैं, मानो केश नलियां। इन्हीं में पानी जड़ से ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ता ही जाता है, हर पत्ते तक पहुंचता है। लेकिन पानी के संसंजन और आसंजन बल अकेले पेड़ों में इतनी ऊंचाई तक पानी नहीं चढ़ा सकते। इस काम में मदद करता है एक और बल, और उसे समझने के लिए एक और प्रयोग। प्लास्टिक की बिल्कुल पारदर्शी थैली बांधी पत्तियों पर इस तरह। अब छोड़ देते हैं दिन भर। अगले दिन खोला तो अंदर देखा पानी, ये कहां से आया? पत्तियों की निचली सतह को बारीकी से देख सकते तो दिखते बहुत से छोटे छोटे छेद, मानो खिड़कियां जो बंद और खुलती रहती हैं। यही है रंध्र, अंग्रेजी में स्टोमाटा। स्टोमाटा से पेड़ लगातार पानी खोते हैं। इस प्रक्रिया का नाम वाष्पोत्सर्जन, अंग्रेजी में ट्रांसपिरेशन। तो पत्तियों के स्टोमाटा से पानी वाष्प बनकर उड़ता है और इससे पैदा होता है ऊपर की ओर खींचने वाला बल। मानो स्ट्रॉ से हम सांस ऊपर खींच रहे हो तो पानी ऊपर चढ़ता है ना।
इस तरह केशिकत्व और वाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी जमीन की गहराई में से जड़ों से होता हुआ ऊपर टहनियों और पत्तियों तक चढ़ता ही जाता है। तो देखें पेड़ कैसे पीते पानी एक बार और। पेड़ों के पत्ते वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन से लगातार पानी खोते हैं। इससे बनता है ऊपर की ओर खींचने वाला बल। पानी के अणु बहुत पतली नलिकाओं में ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये होता है पानी का केशिकत्व, कैपिलरी एक्शन। केशिकत्व का कारण पानी का असंजक गुण, अधेशन है। पानी के अणुओं में होता है आपसी आकर्षण, उसका संसंजक बल मतलब कोहेशन। पानी अपने संसंजन और आसंजन गुण मतलब केशिकत्व के कारण पेड़ के तनों की असंख्य बहुत महीन नलिकाओं में ऊपर चढ़ता है। वाष्पोत्सर्जन से बना ऊपर खींचने वाला बल भी पानी को ऊपर चढ़ाता है। इस तरह सभी पौधे और ऊंचे ऊंचे पेड़ तक पानी पी लेते हैं। तो अब आप बुझो और वीडियो भी बनाओ। हमने सफेद फूल रखा था रंगीन पानी में। अब आप खुद बुझो कि क्यों और कैसे फूलों ने बदला रंग। ऊंचे ऊंचे पेड़ करते बड़ा कमाल, सोख ले पानी धरती से, बुझा ले अपनी प्यास। पत्तियों से उड़ता पानी जब ऊपर चूसे एक बल तब, स्ट्रॉ से पीते पानी मानो बात पते की ये सब जानो। पानी की खूबी है दो, करती जो ये काम, संसंजक और असंजक बल याद रखो नाम। पानी चढ़े सूक्ष्म नलियों में ऐसे अपने आप, पीले पेड़ पानी यूं बुझा ले अपनी प्यास।